चलते हैं हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विज्ञान भवन के बाहर से जहां पर ये बातचीत चल रही थी। हिमांशु, साफ है कि सरकार ने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, आप अपने बिंदु लेकर आइए, तीनों बिल में कहां कहां पर आपको बदलाव चाहिए, कहां पर आपको प्रॉब्लम है, पॉइंटेड तरीके से बताइए, क्या समझे, ये बातचीत टल गई, किसान अड़े रहे। देखिए आज तो वैसे भी अंजना जो उम्मीद थी कि फैसला हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा, उसकी उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन इतना जरूरी है, डेडलॉक टूट गया है, बातचीत का क्रम जारी है। किसान संगठनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब बातचीत हो रही है, एक समिति बनाने की बात हो रही है जिसमें किसान संगठनों के लोग रहेंगे, सरकार के अधिकारी रहेंगे, खुद मंत्री रहेंगे, कृषि एक्सपर्ट रहेंगे। इसमें किसान जो है अपनी अपनी बातों को लेकर आए, किन बिंदुओं पर उनको आपत्ति है उनको दूर किया जाएगा, उनका जो भ्रम है उसमें उसको दूर किया जाएगा। आज भी प्रेजेंटेशन दी गई है, लेकिन ये जरूर है कि बातचीत का क्रम जारी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ किसान संगठनों के नेता ये भी कह रहे हैं कि जो आंदोलन है वो तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता है। तो समिति बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन आंदोलन अगर जारी रहा तो आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि सरकार को ये सोचना होगा कि आंदोलन को किस तरीके से इन नेताओं को बनाकर जल्द से जल्द खत्म कराया जाए, क्योंकि इन लोगों की मांग तो यही है कि MSP को लेकर सरकार जो है संशोधन करे बिल में, और साथ ही साथ जो उनकी मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। लेकिन कुछ संगठनों की सीधी मांग है कि इन बिलों को जो है सीधा वापस कर ले सरकार, और इन कानूनों को ख़त्म करके जो पुरानी स्ट्रेटेजी थी उसी पर काम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी एक्सपर्ट्स होंगे और उसके बाद जो है बातचीत का क्रम आगे चलेगा। तो ये माना जा सकता है कि 3 तारीख को जब बैठक होगी तो समिति की घोषणा हो जाएगी, और कुछ उसके बाद जो है आंदोलन की धार जो है कुछ ये कह सकते हैं कि कमजोर, या कमजोर नहीं कहकर ये कह सकते हैं कि धीमे पड़ेगी, और किसानों को ये आश्वासन जरूर दिया जाएगा कि उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनका समाधान किया जा रहा है। सुनिए सुनिए हिमांशु, एक बार जरा किसान को सुनिए, ये तो कह रहे हैं कि आंदोलन का भी और विस्तार होगा, एक बार सुनिए। बात सब रखा है, किसान के साथ जितना समस्या हुआ, जुलूम हुआ, अत्याचार हुआ, आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, ये सारे बात हम सारे संगठन ने रखा। अगली मीटिंग कब होगी? परसों एक मीटिंग होगा, सारे लोग का मीटिंग परसों होगा 1 बजे। सीधे लिए चलते हैं, श्वेता सिंह हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। इस बीच आपको बता दें किसान यूनियन के नेता बोल रहे हैं कि धरना अभी जारी रहेगा, विस्तार भी करेंगे, साफ संकेत दे रहे हैं, यानी अभी भी ये अड़चन और ये टकराव जो है वो लगातार सामने दिख रही है, क्योंकि किसान अभी भी मानने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। ठीक हो जाएगा, प्रोजेक्ट तो अभी तक तो जारी रहेगा, ये तो जत्थेबंदियों ने कहा है, प्रोजेक्ट जो जारी रहेगा, और जो परसों बुधवार की मीटिंग होगी उसमें फिर डिस्कशन होके अच्छा हल निकल जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग कब है सर? परसों बुधवार हाँ, थर्सडे परसों होगी, कल नहीं। क्या हुआ बदलाव, जो आपकी शर्तें थी क्या वो मानी गई या नहीं मानी गई, नतीजे क्या हुए? देखो जी, 3 घंटे बात चली है जी, ये कौन बुलाकर कहना होगा तो ये बात है, बेसट्टा रही, कोई सट्टा नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि जो सरकार की तरफ से एक प्रपोजल था भी एक शॉर्ट कमेटी, 11 मेंबरों की एक शॉर्ट कमेटी बना देते हैं, जिस जिहड़े 6 मेंबर है वो किसान जथेबंदियों के होंगे, जो इंटेलेक्चुअल होएंगे, जहाँ जो ला के बारे में जिसकी पकड़ है वो होएंगे, और 5 सरकार की तरफ से होंगे। 11 मेंबरी कमेटी बैठेगी लगातार सेशन में और उसका समाधान निकालेगी। असी वो कमेटी का प्रपोजल रद्द कर दिया, क्योंकि असी कहा भी असी 6 महीने से उसका जो 3 कानून है उसकी कली कली क्लाज और कली कली लाइन पर असी बोल के, मीडिया में बोल के और तुहाडी मीटिंग में बोल के बता दिया भी एक किसान विरोधी है, हुण दोबारा डिस्कशन की क्या लोड़ है? कोई डिस्कशन की लोड़ नहीं, इसको वापस लिया जाए और जो किसान है, लाखों किसान है। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।